What a pleasant surprise. मुझे लग रहा था तुम नहीं आओगे. नहीं, you know mom, वो कुछ decide कर लें तो फिर करके दम लेती हैं, and that's why we have to come. खैर, तुम अकेली आई? हाँ, you know my mom, उनको parties नहीं पसंद, तो मुझे अकेला आना पड़ा. Actually मुझे तुमसे एक बात करनी थी. हाँ, बोलो. कुछ discuss करना था. We'll just Yeah, you're right, Firdaus. रिश्तेदारियाँ हमेशा अपने क्लास के लोगों में करनी चाहिए, वरना बाद में क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर इंसान अपनी औलाद के इन-लॉज को कहीं सही तरह से इंट्रोड्यूस भी नहीं करवा सकता. मेरी एग्जांपल तो तुम्हारे सामने है ना. एक्सक्यूज मी. और आप ठीक हैं? भाभी, क्या बात है, आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं? इंसान को कभी भी अपनी जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि खाली जगहें भर जाती हैं. लेकिन एक अंदर की बात बताऊं, अगर खाली जगहें गलत चीजों से भर जाएं तो उन्हें मिटाकर सही भी किया जा सकता है. जाएं भाई के पास. मैं कैसे? दानिश माइंड करेंगे. अरे क्यों माइंड करेंगे, मैं कोई फायदा नहीं. आए मेरे साथ. अरे फारिस, तो सही. मेरा ख्याल है तुम्हें अब फारिस की शादी के बारे में सोचना चाहिए. ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊंचा हो जाए और सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए. हाय, हाउ आर यू गाइस? हाय, मैं इनकी वाइफ हूँ, मिसेस फिजा दानिश. हाय. आपको वो एक आंटी बुला रही हैं ब्लैक ड्रेस में, कहाँ गई? ओ वो, आई मैं आपको बुलाता हूँ. आए आए वहां पे, वो देखिए. ओके, आइए. आई एम रियली सॉरी, वो मैं बिजी हो गया था बातों में. नो नो, इट्स ओके. मिस पिज़्ज़ा दानिश. हाँ तो नहीं हूँ क्या? हाँ हाँ, हो सेरेमनी शुरू होने में. दे लुक गुड टुगेदर. हेलो आंटी. हाय बेटा, हाउ आर यू डार्लिंग? तुमने तो घर आना ही छोड़ दिया, लॉन्ग टाइम. ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, आपका बेटा इतना बिजी हो गया, आप उसके पास टाइम कहाँ होता है फ्रेंड्स के लिए. हाँ, बिजी तो बहुत हो गया है, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम जैसे दोस्त घर आते रहें. डेफिनेटली आंटी. बेटा घर ज़रूर चक्कर लगाना. चले ठीक है, मैं आऊंगी. मैं इंतजार करूंगी. तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है. आओ फिर बैठ कर बातें करेंगे. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास.